हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मिस्टर हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे रूपमंत्रा क्रीम इस्तेमाल करने का सही तरीका। दोस्तों, आप अगर इस नियम से रूपमंत्रा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर चांस है कि आपको इस क्रीम का पूरा बेनिफिट्स मिल पाएगा। दोस्तों, रूपमंत्रा फेस क्रीम एक कम्प्लीट आयुर्वेदिक सोल्यूशन है आपकी स्किन के लिए। इसका इस्तेमाल चेहरे की रंगत को साफ करने के लिए और चेहरे से कील मुहासे को दूर करने के लिए किया जाता है। इस क्रीम को तैयार करने के लिए एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, चंदन जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस क्रीम का अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस क्रीम का कीमत भी काफी किफायती है, इसे कोई भी आसानी से अफोर्ड कर सकते है और इस क्रीम का इस्तेमाल मेल और फीमेल कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक मेडिसिनल क्रीम है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे लोगों का कहना है कि रूपमंत्रा फेस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी क्रीम या मेडिसिन हर एक व्यक्ति के ऊपर एक जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्किन टाइप अलग अलग होता है। ऐसे तो रूपमंत्रा क्रीम ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन एक गारंटी नहीं है कि हर किसी को एक जैसा रिजल्ट मिले। हो सकता है इससे किसी को अच्छा रिजल्ट मिले और किसी को इससे कोई फायदा ना हो। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो मैं आपको कहूंगा इसका इस्तेमाल आप एक महीने करें। एक महीने के अंदर आपको अगर कोई भी फायदा नहीं होता है तो आप क्रीम को चेंज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कोई नेचुरल क्रीम का इस्तेमाल करने की, क्योंकि नेचुरल क्रीम आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और जो केमिकल युक्त क्रीम होता है वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रूपमंत्रा क्रीम इस्तेमाल करने का सही तरीका। दोस्तों, रूपमंत्रा क्रीम का इस्तेमाल आप रात को भी कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रूपमंत्रा क्रीम में SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं होता है, जो कि हमारी स्किन को सूरज के हानिकारक किरणों से बचाता है। इसलिए आप अगर दिन में रूपमंत्रा क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो साथ में सनस्क्रीन, लोशन या क्रीम जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन सूरज के हानिकारक किरणों से बचा रहे। दोस्तों, रूपमंत्रा क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको चेहरे को साफ करना है, चेहरे से गंदगी को निकालना है। चेहरे को साफ करने के लिए आप रूपमंत्रा फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। रूपमंत्रा का कई सारे फेस वॉश आते हैं, आप आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। दोस्तों, चेहरे को फेस वॉश से धोने के बाद फिर चेहरे को टॉवल से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद थोड़ा मात्रा में रूपमंत्रा क्रीम यानी जरूरी मात्रा में रूपमंत्रा क्रीम लेकर चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए। कम से कम 2 या 3 मिनट तक जरूर मसाज करें, ताकि क्रीम स्किन पर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। फिर क्रीम को लगाकर रात भर छोड़ दीजिए। फिर सुबह उठकर आप पहले रूपमंत्रा फेस वॉश से चेहरे को साफ कर ले। साफ करने के बाद फिर से आप रूपमंत्रा क्रीम चेहरे पर यूज करके आप अपने काम में निकल जाइए। ऐसे ही आप दिन में 2 बार रूपमंत्रा क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अगर रूपमंत्रा क्रीम का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं तो देखिएगा कुछ दिनों में ही आपका स्किन कोमल और मुलायम हो जाएगा और चेहरे से पिंपल भी गायब होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।